सो टू नो दैट कि विच वन विल बी प्रेफरेबल आयंस, कि जो फ्रेगमेंटेशन है ये फ्रेगमेंटेशन ऐसे रैंडम नहीं होता, ये थोड़े से पैटर्न पे थोड़े से प्रेफरेंस मैनर में होता है। और वो कैसे होता है उसके ऊपर बात करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था स्टेवेंसन, और उस रूल को उन्होंने स्टेवेंसन रूल के तौर पर रिप्रेजेंट किया। स्टेवेंसन रूल क्या कहता है जरा समझने की कोशिश करिएगा, लेट मी एक्सप्लेन यू स्टेवेंसन रूल। स्टेवेंसन रूल ये कहता है कि द मोस्ट प्रोबेबल फ्रेगमेंटेशन इज वन दैट लीव्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन द फ्रेगमेंट विद द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। वो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा प्रोबेबल बनने के कम चांसेस होगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे कम हो, ठीक है ना, लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। और अगर हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है तो उसके बनने के चांसेस जो है वो काफी कम है। अब इस चीज को जरा समझिएगा कि किस तरीके से मैं स्टेवेंसन रूल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे क्या बोला स्टेवेंसन रूल ने कि कौन सा फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल होगा। स्टेवेंसन बोला जाए तो द आयन हैविंग हैविंग लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे लीस्ट हो, कम हो, सो वी कैन सिंपली दैट कि वो जो है सबसे मोस्ट प्रोबेबल बनने के चांसेस रखेगा, मोस्ट प्रोबेबल वही होगा। लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पॉजिटिव आयन एक तरीके से कह सकते हैं कि एक कर्जदार के तौर पे, कमी के तौर पे, मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं गरीब हूं, सुदामा हूं, और अगर इस गरीब को अमीर मिल जाए, ठीक है, मतलब इसको जो है कृष्ण मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस गरीब को अगर स्टेबल करने के लिए दिस पॉजिटिव आयन मस्ट हैव, या इफ द पॉजिटिव आयन हैव नेगेटिव आयंस या इलेक्ट्रॉन्स नियर बाय दिस, अगर उसके आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरीके का क्या हो गया, कृष्ण की तरह हो गया, अमीर हो गया, तो दोनों जो है वो बैलेंस करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जरा समझिएगा कि मैं एथेनॉल के तौर पे ही रिप्रेजेंट करता हूँ, जरा समझते हैं। एक है CH3, CH2 और OH। मैं बोल रहा हूँ कि यहां से बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास जो आयन मिलेगा वो मिलेगा CH3, CH2 और फिर प्लस आयन, और अगर यहां से बॉन्ड टूटेगा तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा CH3। मैं लेफ्ट साइड की सिर्फ बात कर रहा हूं। इन दोनों आयन्स के तौर पे अगर समझे, पहले और दूसरे पोजीशन के तौर पे अगर देखा जाए, तो दोनों में से जो फ्रैगमेंट बने हैं वो कौन सा स्टेबल है, जो मोस्ट स्टेबल के फॉर्म में है वो है ये। क्यों है मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इस पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक मिथाइल ग्रुप और भी है। बहुत कॉमन सी बात है, इट्स लाइक अ इंडक्टिव इफेक्ट इन द केमिस्ट्री, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। जैसे यस, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो इसके पास है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं आएगा जितना यहां पर आ सकता है, तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो स्टेबिलिटी है वो इस पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा है और इसकी कम है। कहीं ना कहीं अगर आप इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी के तौर पे दिमाग में रखेंगे जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, याद रखे रहेंगे कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा उस आयन के बनने की प्रॉबेबिलिटी है, दैट द सिंपल पॉइंट। और स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी को भूल जाइए, सिर्फ स्टेबिलिटी को देखिए, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा प्रॉबेबिलिटी और उतनी ही ज्यादा जैसे कि यस फिजिबिलिटी भी बोल सकते हैं। So, CH3, CH2 plus जो है वो सबसे ज्यादा फिजिबल होगा, देन आपके पास होगा CH3 plus, ठीक है, बेसिक तौर पे। इसके बाद जो है अगर हम दूसरे साइड की बात करते, जब ये तो लेफ्ट साइड की थी, दोनों ही क्लीवेज के तौर पे, दोनों फ्रेगमेंटेशन के तौर पे, दूसरे साइड पर रिप्रेजेंट करते तो यहाँ पे जो बन रहा होता वो बनता OH plus, और यहाँ के कनेक्शन में जो दूसरा फ्रेगमेंटेशन बनता वो CH2 OH plus। अब देखिए दोनों में ही हाइड्रोजन के पास या इस ग्रुप के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े, जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और देगा भी नहीं इलेक्ट्रॉन को, तो कहीं ना कहीं इस पूरे केस में ये OH प्लस वाले जो भी पॉजिटिव चार्ज होंगे ये इनसे तो कम ही स्टेबल होंगे, क्योंकि ये कम से कम प्रोटॉन को खींचेंगे तो नहीं, या पॉजिटिव चार्ज और तो नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों कम से कम इन दोनों से तो ज्यादा ही स्टेबल है। अब इन दोनों के कंपैरिजन में अगर बात किया जाए तो CH2OH जो है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कुछ तो है,
OH प्लस के पास तो वो भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन बन जाएगा। और जो आयंस हमने रिप्रेजेंट किए उनमें से इस तरीके की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेगमेंटेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेगमेंटेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेगमेंटेशन जो है कहीं ना कहीं वो आपको यहाँ पे इस तरीके से मेंशन की। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन चल रहा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेगमेंटेशन का क्या पंगा चल रहा है। हमें उन आयंस के ऊपर से देखना है जहां पे कहीं ना कहीं जो है ये देखा जाए कि जो आयन ज्यादा स्टेबल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो सबसे ज्यादा है। तो स्टेबेंसन के रूल के तौर पे यही सबसे पंगे वाली बात है और सबसे आसान बात यही है कि स्टेबिलिटी आप देखो स्टेबेंसन रूल के हिसाब से ये कहा गया बेटा कि हो सकता है कि आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा फिजिबिलिटी, तो बेंजीन से अच्छी चीज तो कोई है नहीं। तो अगर कोई ग्रुप जो है जिसके पास बेंजीन एज अ साइट ग्रुप है और इसके पास अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो सबसे ज्यादा फिजिबल, इससे ज्यादा तो फिजिबल होगा नहीं। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन के साथ और फिर पॉजिटिव चार्ज हो तो और अच्छी बात है भैया, मतलब स्टेबिलिटी अच्छी है। अगर डबल बॉन्ड हो तो वो जो है थोड़ा सा वो है। फिर उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे अगर तीन कार्बन जुड़े हुए हैं तो सिंगल बॉन्ड से तीनों तरफ कार्बन है तो और अच्छी बात है। अगर दो तरफ कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है लेकिन दो तरफ कार्बन है तो और थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर सिर्फ एक ही तरफ कार्बन है और बाकी हाइड्रोजन है तो और स्टेबिलिटी कम। अगर ये सिर्फ जो है CH3+ और स्टेबिलिटी कम। इसके बाद अगर ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो और स्टेबिलिटी कम। अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो और स्टेबिलिटी कम। एंड दिस इज द वे कि ये स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है। सो हम इसी चीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी is directly proportional to the probability or we can say that directly proportional to the feasibility। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि किस तरीके से आयंस का फ्रेगमेंटेशन होने वाला है और कौन सा आयन ज्यादा बनेगा और कौन सा कम। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे हम अभी और जरा सा इस केस को देखिए। ये विल्सन एंड वॉकर के बुक से लिया गया डायग्राम है और वहां पे फिजिबिलिटी के ऊपर बात है। देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस की फिजिबिलिटी बढ़ेगा। अगर हम बेसिक तौर पर रिप्रेजेंट करें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स जो है वो आपको जनरेट होंगे, सवाल ये आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स यू विल गेट। तो बेसिक तौर पे ये हो जाता है 2n+1। लेकिन ये हम 2n+1 जो है यहां पे मेंशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि देयर इज अ मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन एज वेल। तो ये जो है एक तौर पे 2n+1 जो है प्रोटीन के केस में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैं प्रोटीन का फ्रेगमेंटेशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ केमिस्ट्री में बेसिक फ्रेगमेंटेशंस को रिप्रेजेंट कर, प्रोटीन के फ्रेगमेंटेशंस पर भी कुछ देर में आएंगे। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये है ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, CH3, CH2, CH2, CH3, बेसिक तौर पे ब्यूटीन है। इसका मॉलिकुलर वेट अगर कंसिडरेशन में लिया जाए, इस ब्यूटेन का मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48, फिर 6 × 4 = 10, 58। इसका MYZ जो है वो 58 है। कहीं ना कहीं जब भी आप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इससे एक इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होगा तो ये खुद अपने आप में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पहले तो आपको एक 58 MYZ रेशियो का ही जो है एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि वो यहां से फ्रेगमेंट टूटे, हो सकता है यहां से टूटे, हो सकता है यहां से टूटे। यहां से टूटेगा तो अब सवाल याद है कि ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा कि ये वाला होगा। अब खुद सोचिए, अगर यहां से टूटेगा तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होने की टेंडेंसी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसके पॉजिटिव होने की, क्योंकि इधर से पॉजिटिव होगा तो स्टेबिलिटी कम है, इधर से स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो किसी भी फ्रेगमेंटेशन पे कौन सा हिस्सा पॉजिटिव होगा ये आपको बेसिक से बात समझ में आ रहा है। तो जब यहाँ पे टूटेगा तो सवाल ये हो सकता है कि ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो, CH3 वाला, राइट वाला। तो अगर मैं राइट वाले को कंसिडरेशन में ले रहा हूँ तो वहां पे 15 एज अ मॉलिक्यूलर वेट पॉजिटिव है और ये फिर फर्दर एक एक करके टूटते हुए कार्बन के पास जा सकता है, एक एक हाइड्रोजन निकलता हुआ चला जाएगा। या ये हो सकता है कि जो राइट वाला ना हो वो लेफ्ट वाला पॉजिटिव हो, तो उसका जो है 43 एज ए मॉलिकुलर वेट यूज होगा, कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि 15 निकल गया CH3 के फॉर्म में तो 58 में से जो बचा हुआ है 43 होगा। अब इस 43 में देखिए, अब इसके पास भी दो सवाल बढ़ेंगे, अब इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होगा तो सवाल ये आता है कि यहां से फ्रेगमेंटेशन होगा तो ये वाला हिस्सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कम स्टेबल होगा, लेकिन बनेंगे दोनों ही। या तो यहां से टूटेगा तो ये वाला फिर स्टेबल करने की कोशिश करेगा, ये कम। तो दीज आर चांसेस कि हो सकता है
कि यहां पे जो है यहां से टूटे और ये हिस्सा पॉजिटिव चार्ज पे, फिर वो इनके बीच से टूटेगा तो वो जो है वो ऐसे आ जाएगा। यहां जब ये यहां से टूट रहा था तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव आ रहा था तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 20 नहीं, फिर इसके बीच से टूटेगा तो ये 15 और ये 14 और इसके तरीके से बहुत सारे और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मतलब हाइड्रोजन निकलते चले जाएंगे लाइक दिस वन, CH3 से फिर CH2 दैट इज 14 बनेगा, फिर CH13 और फिर बाद में जो है 12 तक ऐसे चलेंगे, और वही जो है यहाँ पे फिर वही 15 14 13 एंड 2 एंड सो ऑन हाइड्रोजन निकलता चला जाएगा। हो सकता है कि इस पूरे केसेस में जो है एक हाइड्रोजन निकल जाए सिर्फ, दो हाइड्रोजन बेसिकली एक और एक यहाँ से, तो ये 41 के पार्ट पे चल रहा है, एक प्लस और भी बन सकते, तो हाइड्रोजन भी निकल सकते हैं एक एक करके या तो फ्रेगमेंटेशन भी हो सकते हैं, लेकिन हम बेसिक तौर पे जिस आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो फ्रेगमेंटेशन के तौर पे होते हैं। अगर आप बीच में से तोड़ेंगे तो बीच में से दोनों ही बराबर बनेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, एक जो है नॉर्मल लोन पेयर के साथ, फिर ये टूटेगा तो एक जो है आपके पास 15 हो सकता है, या तो इसमें से दो प्रोटॉन निकल जाए तो ये 27 के तौर पर आ रहा है। तो बेसिक अगर आप फ्रेगमेंटेशन का पैटर्न ये देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जो है देयर इज अ लॉट्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन चांसेस। अब इसको अगर फ्रेगमेंटेशन स्पेक्ट्रा पर रखें तो आपको 58 43 42 41 32 29 28 27 15 ये कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स मिल रहे थे जब हमने अपने ब्यूटेन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था CH3 CH2 CH2 CH3 आपको 53 भी मिल रहा था, 58 भी मिल रहा था, 43 भी मिल रहे थे और इन केसेस में इनमें जो है रिलेटिव अबंडेंस को रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, इन रिलेटिव अबंडेंस के तौर पे समझिए बहुत शांति से आपके साथ कि इस केसेस में जो है फ्री रेडिकल बनता है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव नहीं होता, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और CH3 और ये एक फ्री रेडिकल एक पॉजिटिव होता है, सिर्फ एक पॉजिटिव के तौर पे कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए इसका रिलेटिव अबंडेंस कुछ यहां तक मेंशन है। लेकिन बाकी इनके कंपैरिजन में इसका रिलेटिव अबंडेंस इतना ज्यादा क्यों हो जा रहा है, सबसे ज्यादा रिलेटिव अबंडेंस 43 का क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें ये फ्रेगमेंटेशन ये वाला बॉन्ड जिसको हम बोल सकते हैं या तो ये टूटे या तो ये वाला टूटे, अल्टीमेट तौर पे जो है ये हो सकता है कि देयर इज अ फ्रेगमेंटेशन, अगर मैं इसी को मेंशन करके चलो तो CH3 CH2 और CH2 ये जो कंडीशन है यहाँ पे पॉजिटिव और ये CH3 पॉजिटिव, ये 43 जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल आयंस के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाएगा अगर जितने भी आपके बन रहे, क्योंकि एक ये बनेगा, दूसरा जो बन सकता है वो CH3 CH2 प्लस ये बन सकता है, तीसरा जो बन सकता है वो CH3 प्लस बन सकता है। तो इनमें ये 43 ये 29 और ये 50, अब इनमें एक एक हाइड्रोजन निकल सकता है बट डज नॉट मैटर, 43 29 और 15 इस केसेस में देखिए 43 सबसे मैक्सिमम 29 फिर उसके बाद 15, इसमें 14 और 13 भी आ सकते हैं वन वन हाइड्रोजन के साथ जो हमने देखा था, बट उतना जो है उनको सिग्निफिकेंट हम देंगे ले नहीं रहे। ठीक है, सो जो अगर आप देख पा रहे हैं तो इन केसेस में सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी आपको खुद कॉमन से पता चल रही है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ये है, फिर ये है, फिर ये है, और उसी हिसाब से इनका रिलेटिव अबंडेंस भी चल रहा है, ये सबसे ज्यादा फिर ये, तो कहीं ना कहीं रिलेटिव अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ उनके आइसोटोपिक फॉर्म से ही नहीं, अगर सभी के सभी नेटिव फॉर्म में है उन नेटिव फॉर्म्स में भी रिलेटिव अबंडेंस कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इनमें जो कॉम्पोजिशन है ईज ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे, तो यहाँ पे कई जगहों पे ये चीज इंटरप्रिटेशन में लोग नहीं समझते या रिलेट नहीं करते कि रिलेटिव अबंडेंस कहीं ना कहीं ईज ऑफ फ्रेगमेंटेशन पे भी डिपेंड करता कि कौन सा आयन जो है वो कितने आसानी से बन रहा है, जो जितना आसानी से बनेगा उसका होने के चांसेस उसके बनने के चांसेस ज्यादा है, और जब बनने के चांसेस ज्यादा है तो बाकी के आयन के कंपैरिजन में उसका जो अबंडेंस है वो ज्यादा है, सीधी सी बात। तो कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन आप देख सकते हो कि ये जो है ब्यूटेन का केस इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इस कहानी में इस क्वेश्चन में आपको कई सारे और आयंस दिए जा रहे हैं लेकिन बेसिक तौर पे चार ही जो है आपको फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, एक ये ये और ये और ठीक। आगे चला जाए, चलिए थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। एक कंपोनेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेंजोइक एसिड के तौर पर, बेंजोइक एसिड के तौर पर जो है उससे भी आप फ्रेगमेंटेशन निकाल सकते हैं, इज अ पॉसिबिलिटी एग्जांपल के तौर पे मेंशन कर देता हूं मैं। बेंजोइक समझ में आ रहा है कुछ कुछ कैसे जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो है आप ये समझने की कोशिश कर रहे थे एग्जैक्ट मास क्या है, आइसोटोपिक अबंडेंस क्या है, और फिर जो है फ्रेगमेंटेशन का रूल और कैसे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। आपको हाइड्रोजन फ्रेगमेंटेशन के ऊपर बहुत फोकस नहीं करना है, आप सिर्फ मेन चेन के बॉन्ड फ्रेगमेंटेशन के ऊपर बात करें।
देखो फ्रेगमेंटेशन जो है यहाँ ऐसे भी हो सकते हैं ना, जैसे मैं CH3 की बात करूँ या CH3 इन केसेस में बेंजोइक एसिड से पहले, जैसे कहाँ कहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो सकते हैं वो कहीं पे भी हो सकता है ना, इसीलिए वो चीज मेंशन की जा रही थी फ्रेगमेंटेशन के तौर पर। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे है CH3 या CH3+, तो ये हाइड्रोजन भी तो टूट सकते हैं, ये भी तो बॉन्ड ही है, ये भी तो टूट सकता है, ये भी तो टूट सकता है, एक एक करके अल्टीमेटली क्या बनेगा, कार्बन बनेगा। तो मेन चेन और साइड चेन दोनों ही फ्रेगमेंटेशन हो सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन आपके जो है मेन चेन में भी हो सकते हैं और साथ में जो है वो साइड चेन में भी हो सकते हैं। साइड चेन का बेसिक तौर पे बोला जाता है जो हाइड्रोजन का फ्रेगमेंटेशन बोला जाए, पहले हाइड्रोजन का फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, बाद में होता है। तो कहीं ना कहीं जो मेन चेन का फ्रेगमेंटेशन है वो प्रेफरेबल होता है, और इसमें भी प्रेफरेबल के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है जो मोस्ट प्रोबेबल होगा। मोस्ट प्रोबेबल या मोस्ट फिजिबल फ्रेगमेंटेशन वही होगा जिसमें कि आयन स्टेबिलिटी आफ्टर फ्रेगमेंटेशन जो है ज्यादा हो। द आयन स्टेबिलिटी आफ्टर फ्रेगमेंटेशन वुड बी हाई। ये केस होता है, जैसे बेंजोइक एसिड को समझिए, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं मैं। ये कुछ बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर जो है कुछ इस फॉर्म में सी सी डबल बॉन्ड ओ एच। द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड इट इज सिंपली रिटन एज C6H5COOH। व्हाट शुड बी द एम बाई जेड रेशियो ऑफ दिस बेंजोइक एसिड? बेंजोइक एसिड का रेशियो क्या हो सकता है? मॉलिक्यूलर वेट बता दो, एम बाई जेड रेशियो, रेशियो का मतलब एम बाई जेड की मैं बात करूं, जो कैलकुलेट कर ले रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड, जो नहीं कर पा रहे उनके लिए बता दो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 122 आएगा। ठीक है, 12 × 6 = 84 = 690 = 32 = 122। ठीक है, 122 विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाए तो यहाँ पे टूटने की टेंडेंसी देखो क्या क्या है, या तो ये टूटेगा, या तो ये टूट सकता है, या तो ये टूट सकता है बेसिक तौर पर। तो अगर हम इसको तोड़े, मैं इसको ए फॉर्म बोल रहा हूं, इसको बी फॉर्म बोल रहा हूं और इसको सी फॉर्म बोल रहा हूं, ए और बी तोड़ने पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्यों जरा सा देखिएगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, तो जब आप ए फॉर्म तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहां से कार्बन डबल बॉन्ड ओ है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये तब होगा जब इसके पास ए फॉर्म टूट रहा हो। और अगर बी फॉर्म के तौर पर रिप्रेजेंट करना हो तो कहीं ना कहीं अगर बी फॉर्म टूट रहा होता तो ये कुछ ऐसे होता सी डबल प्लस ओ एच। और अगर बी फॉर्म टूटने की बात करते तो बी फॉर्म में क्या होता कि सी फॉर्म टूटने की बात करते तो वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता। अगर आप देख पा रहे होंगे यहां से, तो इन तीनों कंडीशन को देख के बताइए कि विच वन इज मोर स्टेबल, ए फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, बी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या सी फॉर्म, कौन सा फॉर्म जो सबसे स्टेबल फ्रैगमेंट के तौर पर रिप्रेजेंट हो रहा है? सी सबसे स्टेबल क्यों है? मोस्ट स्टेबल यही है, मोस्ट स्टेबल यही है तो मोस्ट फिजिबल भी यही होगा। अगर मोस्ट स्टेबल यही है तो मोस्ट फिजिबल भी होगा, मोस्ट फिजिबल यही है तो मोस्ट रिलेटिवली अबंडेंट भी यही होगा। अगर यही मोस्ट फिजिबल है तो रिलेटिव अबंडेंस जो है इसी का सबसे ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में ये फॉर्म होना सबसे ज्यादा मतलब ये बनेगा अगर बेसिक तौर पे समझा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? जरा देखिए, C6H5 ही तो है ये, क्योंकि COOH निकल गया C6H5, यानी ये जो है 72 + 5 = 77। ये क्वेश्चन अगर आपने अभी ग्रेड दिया होगा या जिन्होंने PYQ सॉल्व किया होगा, ये ग्रेड के PYQ का ही क्वेश्चन था। CS गेट के एक्सेल में ये क्वेश्चन आया तो आया हुआ था कि बेंजोइक एसिड जब भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में भेजेंगे तो सबसे मोस्ट स्टेबल आयन कौन सा बनेगा, किस एम बाई जेड रेशियो का बनेगा। उसमें आपको एक ये वाला भी होगा, एक ये भी होगा, एक ये भी होगा, तो सबसे स्टेबल जो फॉर्म बनेगा वो 177 का बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक जो है 105 का भी होगा, ये वाला जो फॉर्म है ये 105 है क्योंकि इसमें OH निकला है तो 17 माइनस कर दीजिए तो 105, ये जो है 104 है, तो 105 और 104
दोनों ही नहीं बनते, जो बनता है वो है 177। ध्यान रहे तो जिंदगी की तकलीफ और कठिनाइयों से आगे निकल सकते हैं। आई एम वीरेंद्र सिंह, आई टीच सी एस आई आर ऑन अन अकेडमी।